हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं आयोग के समक्ष और यहाँ पे हमारे साथ जितने भी भाई लोग आए हैं उन सभी को धन्यवाद। और आइए हम जानते हैं अपडेट आज के बारे में। तो सचिव से मिल के आए, वही होगा सचिव, आई जी जो था वही सचिव, फिर क्या है तो नोटिस निकलवा देंगे, पता ही नहीं है। सब नो सब विकास जी भी बड़ा झुटका है, थोड़ा आप कुछ बता सकते हैं आज क्या हुआ अपडेट में? कुछ भी आज अपडेट में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मिलने भी नहीं दिया गया। पुलिस का जो है यहाँ इतना ज़्यादा पहरा, आप लोग देखते होंगे पूरा जो है फोर्स जो है यहाँ पे जमावड़ा लगाए हुए, जितना लड़का नहीं उससे ज़्यादा फोर्स है, है कि नहीं? चाहेंगे हम देख लीजिए। और क्या हुआ? यही हुआ कि हम लोगों से जो जो हम लोग का जो समस्या था मेन, तो प्रोसेस आगे बढ़ाने का था, वो सब जो है लिख करके एप्लीकेशन में ले लिया गया है, चटना सड़कों के द्वारा सिग्नेचर भी करवा के ले लिया गया है, मोबाइल नंबर ये सब, फिर उस पर जो है हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, अब देखिए आगे क्या होता है। और अभी बस घर चलना है, अभी तो हम लोग को सचिव से मिलना था, अध्यक्ष से मिलना था, तो अध्यक्ष से मिलने नहीं दिया जा रहा है। देख रहे होंगे कि बहुत सारा पुलिस उधर बैठा हुआ है, फोर्स है, पूरा बटालियन पैरामिलिट्री फोर्स आए हुए हैं, डीएमपी आए हुए हैं, मतलब स्टूडेंट अगर मान लेते हैं कि 100 होंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे हमको लगता है कि लमसम ऑलमोस्ट 200 होंगे, इसलिए यहाँ पे डराया धमकाया जा रहा है। हाँ तो देखिए, यही आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, आयोग के आसपास में सिर्फ पुलिस फोर्स है कैंडिडेट से ज़्यादा, और यही कारण है कि हम लोग की कोई बात जो है वो आयोग नहीं सुनने को तैयार है। और देखिए, एक अभ्यर्थी कुछ कुछ भी बोलिए, कुछ भी आप अपना फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हैं। क्यों आए हैं? अरे हम क्या आए हैं कि भाई स्पीड पैंतीस है, उसको कम से कम कुछ किया जाए। बहाली कितना जल्द पूरा किया जाए? बहाली क्या, मैं नियमावली से नहीं चल रहे हैं तो बहाली क्या, नियमावली के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं ना, चलेंगे तब ना। अच्छा, इनका कहना है नियमावली के अकॉर्डिंग आयोग नहीं चल रही है। और आपको कुछ कहना भाई? कंप्यूटर संचालन में कुछ पूछेगा, कोरोना हमेशा जब भी आयोग फोन करते हैं तो कहना है कोरोना है, ये है, वो है, ठीक है, लेकिन ये कोरोना के लिए काम का नहीं है, सीएसबीसी के लिए नहीं है, बीपीएससी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए कोरोना है, तो बिहार जैसे के लिए कोरोना नहीं होना चाहिए। हम लोगों का डिमांड इतना है, हम लोग अगस्त तक सबको क्लियर किया जाए, ठीक है, और आज एक नोटिस अगर दे दिया बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहता, बात सही है। तो चलिए, देख रहे हैं आप लोग किस तरह से हम लोग को भगाया जा रहा है, तो हम लोग अब यहाँ से वापस जाने की तैयारी में लग गए हैं। तो इसी तरह से लाइव आप लोग देखिए, उसके बाद हम वीडियो समाप्त करेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो अपडेट के साथ।